नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं 12 स्टैंड रोड जीतनराम मांझी की आवाज़ पर। और बता दें कि आज जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बता दें कि यही नहीं, अब जीतनराम मांझी जो है नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं अब दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई चीज़ों को लेकर जीतनराम मांझी नीतीश कुमार से इच्छा प्रकट की और कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। यही नहीं, 5 सीटों पर जो है जीतनराम मांझी लोकसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी में जुटे हुए थे। कई बार जीतनराम मांझी नीतीश कुमार से मिलकर अपने बातों को रखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे थे। जब जीतनराम मांझी पूरी तरह से नाराज हो गए, तब नीतीश कुमार के बेहद करीब, बेहद खास मंत्री विजय चौधरी जीतनराम मांझी की आवाज़ पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, घंटों बातें होती है। बात हालांकि नहीं बन पाई, यही कारण है कि आज उसका परिणाम हुआ कि जीतनराम मांझी अब नीतीश कुमार से दूरी बना लिए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम हथकंडे नीतीश कुमार अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही गठबंधन में अब ये असंभव दिख रहा है। जिस तरह से विपक्षी एकजुटता के नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही घर को नीतीश कुमार तोड़ने में लगे हुए हैं। जीतनराम मांझी जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीब थे और दोस्ती जो थी वो अटूट थी, नीतीश कुमार ने ही जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन आज रिजल्ट देखिए कि जीतनराम मांझी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार से अलग हो गए। कारण है कि नीतीश कुमार से कई चीज़ों को लेकर जो है हम पार्टी के अपेक्षा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर खरे नहीं उतरे। यही कारण है कि संतोष मांझी जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर आज वो कहीं ना कहीं अब अलग जो है एकला चलो के रास्ते पर हैं। लेकिन देखने वाले विषय होगी कि जैसे ही जीतनराम मांझी से जीतनराम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दिया, वैसे ही बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आना शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जो है जीतनराम मांझी के आवास पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में जीतनराम मांझी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी पार्टी की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, जीतनराम मांझी अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं और ना ही संतोष कुमार सुमन इस पर कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है हम अभी एकला चलो के रास्ते पर हैं, लेकिन पवन जायसवाल जिस तरह से मुलाकात करने पहुंचे हैं, इसका क्या मायने आगे निकलता है ये तो भविष्य के घर में। लेकिन फिलहाल बता दें कि जिस तरह से जीतनराम मांझी जो है अब नीतीश कुमार से सारे वो रिश्ते नाते जो है वो तोड़ने के कगार पर हैं। अब संतोष कुमार सुमन ने भी जैसा कहा कि इस्तीफा वापस लेने की अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो मांगे थी वो बहुत कम थी, एक सीमित थी। हम बहुत दिनों से जो है काम को करने, हमारे साथ कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार जब इन सब चीजों पर नहीं सहयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे अच्छा है कि रिश्ता तोड़ ही दिया जाए। लेकिन अब पवन जायसवाल जिस तरह से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या बातें होती है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसके बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।